मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। इस दौरान उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और डीसी कारागार अनंत कुमार मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान हमारे संवाददाता ने धर्मवीर प्रजापति से खास बातचीत की। कल विश्व पर्यावरण दिवस से इस मौके पर तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के कारागारों में और होमगार्ड विभागों में कल यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम कराए जाएंगे। ज्यादा जानकारी हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कारागारों में होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर जी, क्या मानते हैं जो एक पहल की जा रही है, वृक्षारोपण की पहल भी की जा रही है, इसके अलावा तमाम तरह के अन्य ऐसे काम भी किए जा रहे हैं जिससे कैदियों की जो मनोदशा है उसको भी बदलने का काम किया जाएगा? देखिए, कैदी दो तरह के होते हैं, मेरा अपना मानना है। एक पेशेवर कैदी होता है, उसके लिए कोई रियायत नहीं है, और एक कैदी होता है कि अचानक कोई घटित घटना घट गई और वो जेल में चला गया अंदर, और फिर जाने के बाद में पश्चाताप होता है कि मैं बाहर की दुनिया से चार दीवारी में बंद हूँ। तब उसे एहसास होता है, पश्चाताप भी होता है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को सुधरने का, उनकी मनोदशा बदलने का अवसर दिया जाए। अब बहुत सी महिलाएँ हैं, जैसे मेरा कासगंज में जाना हुआ तो महिला कैदियों से जब मैं मिला तो उनके साथ एक 2 साल का बच्चा था, कच्चा थी और बनियान था, उसके ऊपर कपड़े नहीं थे। माँ ने कहा बेटे नमस्ते करो, हाथ जोड़ के नमस्ते करता है, मतलब जेल में जो संस्कार उसी दिन तेने। और हम एक चौराहे पे जब निकल के जा रहे थे अपने मुख्यालय से, अपने ऑफिस से जब आवाज़ जा रहे थे, तो पेशी से लौट रही एक गाड़ी, महिला बंदी थी उसमें और बच्चे जाली से बाहर झाँक रहे थे। उस समय बड़ा दया आई और देखा कि बच्चे जो बाहर खेलने कूदने का अवसर है और वो आज बाहर की दुनिया को एक जाली से झांक रहे हैं। उसी दिन से मन में तय किया कि हमने पहले निर्देश किया और आज भी हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा है कि बच्चों की जेल के अंदर पढ़ाई लिखाई, रहना सहना, खान पीन, सब सारी व्यवस्थाएं अच्छे से हो, और माओं के साथ केवल बच्चे सोने के लिए जाएंगे, उनकी मनोदशा पर कोई प्रभाव अंदर कैदियों का न पड़े, ये व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम के बारे में क्या जानकारी देंगे? वृक्षारोपण के लिए मैंने एक लक्ष्य दिया है, आज उसी विषय पर, कल पर्यावरण दिवस है तो 2 दिन पहले हमने होमगार्ड विभाग की बैठक की थी, आज हमने कहा है दोनों विभाग मिलकर के 5 लाख वृक्ष लगाएंगे हम लोग, ये हमने कहा है। मैं स्वयं आगरा लखनऊ की जेल में और कैदियों के साथ वृक्ष लगाने जाऊँगा। अभी आपने कहा कुछ साधना जैसे ऐसे हैं जिनसे कैदियों की जो दशा उस पर और बदलाव हुआ, साथ ही साथ उनको छूटना नहीं, जिनकी सजा हो चुकी है वो छोड़ भी जाएंगे, ऐसा साथ ही साथ क्या मानते, क्या बेहतर प्रभाव? देखिए, बहुत बड़ा काम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने किया है कि पहले सजा भी पूरी करनी होती थी, 60 साल भी पूरी करनी होती थी। अब 15 साल का लड़का अगर जेल चला गया है तो उसे 14 साल 20 साल सजा काटे, फिर उसके बाद में मान लो 30 साल हो गए, फिर 30 साल उम्र का इंतजार करे। अब आदरणीय योगी जी ने बदलाव करके 60 साल उम्र बार जो पूरी करनी होती थी वो ख़त्म कर दिया है। अब कोई भी कैदी अपनी सजा पूरी करेगा और अपने घर जा सकता है, ऐसी व्यवस्था शासनादेश लागू हो गया है, नीचे पहुँच गया है और नीचे से प्रस्ताव आने लगे हैं। और क्या व्यवस्था आने वाले समय में जो कारागार में देखने मिलेगी जिससे कि मनोदशा बदलेगी, रहन सहन बदलेगा, एक जो धारणा होती है कैदियों के प्रति वो बदलेगी, और साथ ही साथ वो जो अपने बाहर निकल के आते हैं तो निश्चित रूप से कहा जाता है कि बदलाव नहीं कर पाते हैं, कुछ बदल जाते हैं, कुछ बदलाव नहीं कर पाते हैं, तो जीविकार्जन के लिए उनके लिए क्या व्यवस्था की, क्या कैसे आने वाले समय कोर्स स्थापित किए जाएंगे, व्यवस्था की जाएगी? हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, ODOP के तहत जेलों को जोड़ने जा रहे हैं। MSME के साथ हमारी बातचीत हो गई है, जो प्रोडक्ट कैदी बनाते हैं उनको प्रशिक्षण भी देंगे और उनका जो प्रोडक्ट है वो आम जनता तक लाएंगे भी, ये भी हम प्रयास कर रहे हैं। बहुत कुछ बदलाव करने की योजना है और कैदियों की मनोदशा बदलने के लिए हमारा प्रयास है कि जो भी संभव होगा हम करेंगे, और कैदी हमारी इच्छा है कि कैदी जब बाहर जाए तो बाहर उसके परिजन, उसके मोहल्ले के, उसके गाँव के लोग देखें के जेल से भी सुधार करके आया है, बदल के आया है, ये प्रयास हमारा रहेगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कारागार में होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति, इनका कहना है कैदियों की मनोदशा बदलने के लिए काम कर रहे हैं, साथ ही साथ तमाम ऐसे शासनादेश आए हैं जो लगातार कैदियों को जो
उनकी बंदी जो अवधि है उसको बाद भी वो बंद रहते हैं अर्थदंड ना देने के कारण, या फिर जो पहले उम्र कैद की सीमा होती थी वो पहले कहा जाता था 60 साल तक पूरी करनी है, पर अभी हाल में योगी सरकार का आदेश आया है जिनकी 14-15 साल की उनकी जो उम्र जो उनकी अवधि सजा की अवधि है अगर ख़त्म हो जाती है तो निश्चित उनको छोड़ दिया जाए। साथ ही साथ जो अर्थदंड के कारण जो कैदी बंद है उसमें भी लगभग 136 कैदियों को जो संगठन के माध्यम से अर्थदंड चुकाने के बाद उनको छोड़ दिया गया है। आने वाले समय में भी कैदियों की जो मनोदशा उसको बदलने के लिए साथ ही साथ आने वाले समय में ODOP जो व्यवस्था है जो MSME है उसको जोड़ा जाएगा कारागारों से, जिससे उनकी जो जीविकार्जन है उसकी मनोदशा बदला जा सके और आगे जाके जब जेल से बाहर निकले तो अपनी जीविका खुद चलाए और साथ ही साथ आगे बढ़ने का प्रयास।